नमस्कार आवाज देश की में आपका स्वागत है मैं हूँ प्रतिबिंब शर्मा आवाज देश की आज हम बात करेंगे मिलेट यानी कि मोटे अनाज की और उससे मिलने वाले स्वास्थ्य लाभ की और किसानों को होने वाली सम्पन्नता की लेकिन क्या आप जानते हैं यूएन ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया है भारत मोटे अनाज की खेती और सेवन के लिए अभियान भी चला रहा है मोटे अनाजों के प्रमाण सबसे पहले सिंधु सभ्यता में पाए गए धरती पर भोजन के लिए उगाए जाने वाले पहले पौधे भी यही माने जाते हैं एशिया और अफ्रीका में लगभग 60 करोड़ लोगों का ये पारंपरिक भोजन भी है बाजरा मोटे अनाज का एक महत्वपूर्ण घटक है विश्व में भारत बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक है बाजरा मोटापे और मधुमेह जैसी स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने में मददगार है भारत सरकार द्वारा बाजरे के एमएसपी में बढ़ोतरी भी की गई है सरकार का उद्देश्य किसानों को बाजरा उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करना है पूरे विषय को जाने समझने की कोशिश करेंगे चार विशेषज्ञ मेहमानों के जरिए और विशेषज्ञ मेहमानों से करवा देता हूं आपका परिचय डॉक्टर परमित कौर मुख्य आहार विशेषज्ञ एम्स हमारे साथ मौजूद हैं आपका बहुत बहुत स्वागत है ताली बजाकर स्वागत कर सकते हैं डॉक्टर एस के मल्होत्रा हैं पूर्व कृषि आयुक्त हैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर एम जे खान हैं अध्यक्ष इंडियन चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर के आपका भी बहुत बहुत स्वागत है वर्चुअली हमारे साथ जुड़ी हुई हैं पल्लवी उपाध्याय प्रबंध निदेशक हैं सकाला न्यूट्रिशन की आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और स्वागत है जनता जनार्दन का भी सबसे पहले शुरू करते हैं सेहत को लेकर आजकल लोग बहुत जागरूक हो गए हैं डॉक्टर परमित कौर क्या ये मुख्य आहार आ, का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनता जा रहा है क्या मिलेट कह लें या मोटा अनाज कह लें और अगर ऐसा है तो क्यों है आजकल जो हम देखते हैं कि इंडिया में दो मेन प्रॉब्लम्स हैं डिजीज़ रिलेटेड एक तो लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिजीज हैं जैसे अभी आपने भी कहा ओबेसिटी है और डायबिटीज़ है और कॉन्स्टिपेशन वगैरह की प्रॉब्लम भी रहती है तो ये सब जो है ज़्यादा बीमारी इसलिए हो रही है कि हम लोग रिफाइंड फूड ज़्यादा खा रहे हैं और मोटा अनाज जो होता है इसमें फाइबर ज़्यादा है तो इसलिए जागरूकता बढ़ रही है इसको खाने की साथ ही साथ हमारे देश में एक और बड़ी समस्या है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की दो में से एक महिला इस समय इससे जूझ रही है तो उसको अगर हमें टारगेट करना है हमें हीमोग्लोबिन लेवल नॉर्मल करना है क्योंकि हीमोग्लोबिन लेवल नॉर्मल होना बहुत ज़रूरी है अगर महिला का हीमोग्लोबिन लेवल कम है तो जो आगे बच्चा पैदा होगा उसका वेट कम होगा अगर वेट कम होगा तो आगे जो उसकी ग्रोथ है वो पूरी नहीं होगी फिज़िकल ग्रोथ मेंटल ग्रोथ कॉम्नेटिव ग्रोथ जो पढ़ाई लिखाई है उसके लिए भी आयरन का बहुत बड़ा रोल है बहुत सारी स्टडीज़ हुई हैं तो आयरन जो डेफिशिएंसी है ये इसको अगर हमें टारगेट करना है इससे जूझना है तो ये मिलेट्स का इस इससे हमें जवाब मिलता है क्योंकि ये आयरन और फोलेट दोनों में बहुत रिच है तो इन सब चीज़ों को देखते हुए आजकल अवेयरनेस जनरेट हो रही है कि ये हमारे जो डाइट का एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट हो सकते हैं और हम दोनों तरीके की बीमारियाँ ओवर जो ईटिंग से हो रही है और डेफिशेंसी है दोनों को हम इनसे लड़ सकते हैं तो ये बहुत ही मतलब सुपर फूड कह सकते हैं और एक तरीके का सोना कह सकते हैं हम इसको। जी हाँ लेकिन इससे मोमोज बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं वो भी एक बड़ा प्रश्न है और जितने यंगस्टर हैं शायद ये आप में से आ, किसी एक विशेषज्ञ से पूछेंगे भी ये क्या एस के मरुत्रा जी क्या कहें लौट के बुद्धू घर को आए या देर आए दुरुस्त आए पहले हमें कहा गया कि ये तो गरीबों का पिछड़े लोगों का खाना है आ, आ, इसको छोड़ो ये गेहूं अच्छा है चावल अच्छा है लेकिन लौट कर अब वहीं आ गए देखिए बात आती है खाद्य सुरक्षा पोषण सुरक्षा की दोनों बातों को मैं उसको साथ जोड़ता हुआ बताना चाहूंगा ये हमारे परम्परागत अनाज है परम्परागत अनाज का मैं अगर आपको पिछली थोड़ी बातें बताना शुरू करूँ तो ये 1960 से पहले पहले हमारा ये भोजन का बड़ा अभूतपूर्ण अंग था करीब करीब हमारी थाली का उनतालीस प्रतिशत हिस्सा जो हम खाना वो ये मिलेट्स होते थे उसके बाद जैसे ही गेहूँ और चावल आया उसके बाद इसका क्षेत्र घटने लगा क्योंकि हमारा प्रोक्योरमेंट सिस्टम जो है वो भी उसी को ही बढ़ावा देता था तो मिलेट्स जो है हमारे वो पीछे छूट गए तो अब इसकी पहचान की गई कि इनके अद्भुत गुण हैं हमारी परंपरागत फसलें हैं उनको प्रमोट करने की जरूरत है क्योंकि आज के युग में हम तीन चीज़ों को सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं पहला हमारी खाद्य सुरक्षा दूसरा पोषण महत्व पोषिक पौष्टिकता तीसरा हम वातावरण की भी बात करते हैं तो वो तीनों के लिए जो है ये फसलें बड़ी महत्वपूर्ण फसलें हैं इन तीनों गुणों को देखते हुए जब भारत सरकार ने ये प्रपोजल एफ के सामने रखा तो एफ के सामने ये बताया गया कि ये तीनों गुण इसमें है और इस तरह की फसलों को जिसका भारत प्रतिनिधित्व करता है इसके लिए एक इंटरनेशनल ईयर घोषित किया जाए जिससे कि इन फसलों को बढ़ावा मिले और ये प्रपोजल मैं भारत सरकार की तरफ से स्वयं लेकर के गया था एफ रोम में और मैंने पहली प्रस्तुति मैंने वहाँ पर की थी वो प्रपोजल मैं प्रेजेंट करके आया था और ये प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया और इसके बाद अब पूरा वर्ल्ड जो है इस पर एक तरह से हम लोग आ, सेलिब्रेट कर रहे हैं और भारतवर्ष उसमें लीडरशिप ले रहा है तो परंपरागत फसलों पर हमें आना पड़ेगा क्योंकि क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो ये फसलें क्लाइमेट क्रॉप कहा जाता है क्योंकि ये एडवर्सिटी की क्रॉप कहा जाता है रेनफेड इकोसिस्टम की क्रॉप कहा जाता है क्योंकि हमारा करीब करीब 50 प्रतिशत जो हिस्सा है वो वर्षा आधारित खेती पर है वर्षा आधारित खेती पर है अगर हम टोटल उस पर तो वर्षा आधारित खेती में कम पानी उपलब्ध कम पानी में ये फसलें जो है बड़ी सफलतापूर्वक इनकी खेती की जा सकती है कम उर्वरक मांगते हैं कम इनपुट की जरूरत पड़ती है इनको तो ये कम संसाधन लेकर के अधिक आपको उत्पादन देते हैं उत्पादन मेरा मैंने अधिक महत्वपूर्ण मैं तो उत्पादन देते हैं जिसकी वैल्यू ज़्यादा है हाई वैल्यू है जिनकी पौष्टिकता की पहचान बड़े लंबे समय पहले की गई थी लेकिन अब फिर हम लोग वापस उस तरफ आ रहे हैं और अब आप देखेंगे कि किसी मॉल में भी चले जाएंगे तो शेल्फ पर अलग से रखा हुआ मिलेगा, मिलेगा। मिलेट्स और इंडियन मिलेट्स को हम लोग जो है भारतीय मिलेट्स हमारा किसान जो मेहनत करता है उगाता है उसकी ब्रांडिंग हो पूरे विश्व में जो है भारतीय मिलेट्स को लोग जाने तो ये इंटरनेशनल ईयर फॉर मिलेट्स बड़े उत्साह से जो है पूरे देश में पूरे विश्व में मनाया जा रहा है और भारत इसके लिए एक तरह से लीडरशिप मिली है जी और इसको हमें और प्रोत्साहित करने की जरूरत है जैसे कि आज से डॉक्टर खान पहले हैं डॉक्टर खान हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर खान यहाँ पर स्वास्थ्य की बात हो गई है और किस तरीके से आसान खेती का एक जरिया है मोटे अनाज की खेती ये भी बात हो गई है लेकिन संपन्नता किसानों की संपन्नता इससे कैसे जुड़ गई है देखिए वो एक इशू बड़ा है और इनफैक्ट अगर इसको देखें तो एक तो बड़ी खुशी मनाने का वक्त है कि इंडिया ने बल्कि इंडिया के प्रपोजल पे डॉक्टर मल्होत्रा खुद ही उसको इनिशिएट किए थे कि पूरी दुनिया के सत्तासी या नब्बे देशों ने इसका समर्थन किया और यूनाइटेड नेशन ने भारत के प्रपोजल पे इसको जो है इंटरनेशनल ईयर ऑफ एयराम डिक्लेयर किया आज स्मार्ट की बात हो रही हर चीज़ में स्मार्टफोन से लेके स्मार्ट फूड से लेके तो इसमें हेल्थ स्मार्ट न्यूट्रिशन स्मार्ट एंड क्लाइमेट स्मार्ट तीनों चीज़े चीज़ें सिर्फ एक चीज़ से एड्रेस होती हैं और डॉक्टर कौर ने जो बताया उसमें इजाफा करूँ मैं थोड़ा सा कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसका बहुत कम है तो जो आजकल शुगर की बड़ी प्रॉब्लम है उसके लिए एक रामबाण है तो इंडिया का एडवांटेज ये करीब 40 परसेंट जो पूरी दुनिया में प्रोडक्शन है मिलर्स का वो इंडिया करता है और एशिया का करीब पचहत्तर अस्सी परसेंट करता है तो जो ट्रेड की अपॉर्चुनिटी इंडिया के लिए इनफैक्ट पिछले अगर चार साल हम देखें तो जो भारत का कृषि निर्यात है वो बत्तीस बिलियन डॉलर से लेके इक्यावन बिलियन डॉलर पहुंच गया है इक्यावन बिलियन डॉलर का मतलब समझ लीजिए कोई चार लाख करोड़ हो गया है तो अब जो मुश्किल है वो ये है कि मिलेट्स का अभी ट्रेड दुनिया में नहीं हो रहा है ज़्यादा और वो कोई इंडिया बत्तीस मिलियन डॉलर के आसपास यानी पॉइंट भी एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है पिछले साल अच्छी बात यह है कि देखिए टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है जब आप किसान के परिप्रेक्ष्य में कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे कि किसान को इसको उगाने से फ़ायदा है कि ना अल्टीमेट टेस्ट जो है वो किसान की आमदनी से क्योंकि जब भारत ने किसानों की आमदनी दो हज़ार बाईस तक डबल करने का लक्ष्य रखा था तेईस में हम एंटर कर गए तो मिलेट्स का जो पूरी दुनिया में सेलिब्रेशन इंडिया के इंडिया लेड्स सेलिब्रेशन हो रहा है तो उसमें देखना यह है किसान सेलिब्रेट कर पाएगा कि नहीं देश सेलिब्रेट करने के साथ साथ किसान सेलिब्रेट कर पाएगा कि नहीं और मैं एज ए कंज्यूमर सेलिब्रेट कर रहा हूँ मुझे तो रामबाड़ मिल गया है तो सबसे बड़ी बात है प्रॉफिटबल कैसे इसको बनाया जाए दोनों चीज़ों तो एक टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट डॉक्टर साहब आई सी आर सिस्टम्स हैं टेक्नोलॉजी का एक काउंसिल है तो ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करना है क्योंकि इसमें रिसर्च इतना हुआ नहीं जितना होना चाहिए था क्योंकि इसमें जितना पोटेंशियल समझा जाना चाहिए था वो अब समझा समझना शुरू किया है हम लोगों ने तो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट का एक बड़ा एरिया है जिसमें आई को पूरे एज ए मिशन मोड करना चाहिए ताकि ईल जब डबल होंगी तो किसान की आय डबल होगी दूसरा एमएसपी जब सारी क्राफ्ट में है तो इसको भी एमएसपी पे और बेहतर तरीके से करके किसानों की आमदनी शुरू के दिनों में जब तक ईल्ड उतना ही बढ़ती सुरक्षित तो करना तो एमएसपी तो बढ़ा दी है सरकार ने तीसरा जी कि ग्लोबल ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए अभी एपीडा ने कुछ इंडिया मिलेट शो वगैरह काफ़ी जगहों पर किया और एमएससी सेलिब्रेट करते हैं मुझे लगता है इस एफर्ट को न सिर्फ इस साल सस्टेन करना है बल्कि इसके अगले साल भी ले जाना है उसके अगले साल भी ले जाना है चौथा पॉलिसी डायमेंशन है इसमें कि पॉलिसी इनिशिएटिव तीन चीज़ें हैं किसी चीज करने के लिए पॉलिसी टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड तो पॉलिसी इनिशिएटिव जितना सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी लिया वो स्टेट लेवल पे ट्रांसिट होना चाहिए तो मुझे लगता है ये मिला जो है वो किसानों को सेलिब्रेशन की तरफ ले जाएगी कि भाई मिलट इंडिया सेलिब्रेट कर रही दुनिया कर रही और किसान अपनी आय के हिसाब से सेलिब्रेट कर रहा है जी जी किसान हमारे साथ कुछ मौजूद भी हैं उनके पास हम जरूर आएंगे लेकिन हमारे साथ वर्चुअली जुड़ी हुई हैं पल्लवी उपाध्याय प्रबंध निदेशक हैं सकाला न्यूट्रिशन की यानी कि स्टार्टअप है आपका क्या सोचकर पल्लवी जी आप इस आपने सोचा कि इसका स्टार्टअप शुरू किया जाए कहां से आया आपके पास ये विचार नमस्कार आ, हमारे ब्रांड का नाम है मिलेट्स फॉर हेल्थ और 2016 से हम मिलेट्स पे काम कर रहे हैं और मिलेट्स के बने हुए उत्पादों को बाजार तक लाने का काम कर रहे हैं आ, इसमें दो वजह है जिसकी वजह से हमने ये काम शुरू किया आ, 2008 हजार आठ तो से मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों को फाउंडर्स हैं इस एंटरप्राइज के आ, हमने आ, ये वो किसानों के साथ काम कर रहे थे आंध्र प्रदेश अनंतपुर में अभी हमारे पास लगभग दस हजार किसान जुड़े हुए हैं अनंतपुर रीजन के श्री सत्यसाई डिस्ट्रिक्ट से आ, तो एक तो हमें मिलेट्स के बारे में पहले से जानकारी थी पर उस समय आपको पता है जैसे गैर सरकारी संस्थानों का काम होता है कि लोगों को बताते हैं कि हाँ ये खाइए ये लीजिए किसान ने उगाया है आपके लिए अच्छा है तो वो बहुत ही चैरिटी बाइंग टाइप का काम हुआ करता था उस समय तो एक तो उस समय हमें ये लगा कि इसे बाजार में कॉम्पिटेटिवली एज अ प्रोडक्ट लाने की जरूरत है दूसरा मेरी अपनी पर्सनल हेल्थ जर्नी भी थी आ, मेरी एक नौ साल की बिटिया है जब वो होने वाली थी 2013-14 की बात है तो मुझे जेस्टेशनल जिस डायबिटीज जिसे कहते हैं गर्भावस्था में मधुमेह वो हो गया था और सिर्फ मिलेट्स खाकर मोटा अनाज खाकर और एक ब्रिस्क वॉकिंग करके कर, मैंने पूरे टाइम पूरे ड्यूरेशन मैंने मैनेज किया बिल्कुल दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ी तो एक तो हमें यहाँ पहले से थोड़ा एक्सपोजर था जो हम ये अनाज घर पे खाते थे थोड़ा बहुत पर जब उस समय ये हुआ तब हमें समझ में आया कि कितनी ताकत है इन मोटे अनाजों में हमारी सेहत के लिए कितने कारगर साबित हो सकते हैं तब हमने ठाना कि इनको बाजार में लाने की ज़रूरत है और 2016 में मिलेट्स फॉर हेल्थ के नाम के ब्रांड के अंतर्गत हमने ये काम शुरू किया अभी अब शुरुआत तो हमने की थी बेसिक से जिसमें चावल आटा सूजी ये सारी चीजें थी लगभग पंद्रह बीस प्रोडक्ट थे उस समय हमारे पास अभी हम सत्तर के लगभग उत्पाद बना रहे हैं जिसमें मिलेट का चावल उसका आटा अंकुरित आटा उसका सूजी पोहा इडली डोसा बैटर ब्रेड नूडल्स पास्ता वर्मिसेली और पिज्जा बेस बर्गर बंस तो जिस भी तरीके से आप अपना भोजन खाते हैं, हमारे पास उस तरीके से आपके लिए मिलेट में अवेलेबल है। आपके ये आपके लिए पहले तो तालियां हो जाए एक कह सकते हैं कि हवा के विपरीत एक काम करने वाली बात हो गई है जब लोग समझते थे कि ये गरीबों का भोजन है आपने स्टार्टअप शुरू कर दिया और आपने न केवल स्टार्टअप शुरू किया आपने इतनी वैरायटी दे दी है तमाम लोगों को और एक आशा की किरण भी तमाम उन लोगों में जाग गई है जो यंगस्टर्स हैं अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं उनके जहन में आ नहीं रहा था कि क्या स्टार्टअप शुरू किया जाए तो आपसे सीख ले सकते हैं जैसा कि कहा कि हमारे साथ में कुछ किसान भी हैं कैसा लगा बातचीत करके मोटे आ, अनाज को लेकर इतनी बातें हो गई हैं विशेषज्ञ ने कही है ये बहुत अच्छी बात है और इसमें जो किसान का जो है वो जब भी भाई साहब बता रहे थे हमको जो आय को दुगनी करने वाली जो सरकार भी बात करती है तो किसान को आय भी दोगुनी करनी है और वो जो स्मार्ट की बात आपने जोड़ी वो भी जरूरी है कि हमारी आने वाली नस्लें तब इस धरती पर जीव पाएंगे अगर उनको हम अच्छा पानी अच्छा हवा और ये धरती जो अच्छी देके जाएंगे तो उसको हमको अपने जो हमारा जो गेहूं और चावल का जो हमारा ये को रोटेशन है उसको ख़त्म करना पड़ेगा उससे हमें बहुत सारे लॉसेज हो रहे हैं एक तो ज़मीन के नीचे वाला पानी जा रहा है और मिट्टी की हेल्थ भी बिगड़ रही है उसके साथ हमारे जो अनाज जो पैदा हो रहा है उसमें न्यूट्रिशन भी कमी हो रही है हमको जो है क्रॉप जो क्रॉप डाइवर्सीफाई करना पड़ेगा हमको किसान को हर तरह की फसल अपने खेत में उगानी है चाहे दाल हो चाहे ये मिलट हो तेल बीज हो और ये सीरियल क्रॉप्स हो सब ये उगा करके हम अपनी मिट्टी की सेहत भी बचाएँगे अपनी से भी बढ़ाएंगे और उसके अलावा हमको ये है जो हमारे कंज्यूमर भाई हैं उनको मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि जैसे आप लोगों ने फैमिली डॉक्टर बनाए हुए हैं आप फैमिली एक फार्मर अडॉप्ट करें और वो डॉक्टर जो फै, फैमिली आपका फार्मर होगा वो आपकी सेहत का ख्याल रखेगा और उसकी जो है पूर्ति आपको करनी है क्या बात बहुत पूर्ति आप करेंगे तब वो सर्वाइव कर पाएंगे जी जी आप भी कुछ कहना चाहिए सभी को मेरा नमस्कार मैं दो बातें यहाँ शेयर करना चाहूँगा एक तो देश को जब भी तरक्की चाहिए वो किसान के कंधे पे चाहिए देश को जो भी बदलाव चाहिए वो किसान की इनकम के सहारे ही चाहिए अभी पेपरों में टीवी पे हर जगह पे मिल्स मिल्स है जबकि किसान अभी तक ये नहीं जानता वो मिल्स हैं कौन उसकी कितनी बीज की मात्रा लगेगी किस विधि से उसको बीजा जा जाएगा ये किसी भी यूनिवर्सिटी की स्पायर अभी तक किसानों तक नहीं पहुंची हो सकता उन्होंने रिसर्च कर ली हो तो ये सभी किसानों के कंधे पे जब तक देश बाहर डालता रहेगा तो किसान टूटता रहेगा और किसान जब तक समृद्ध नहीं होगा देश समृद्ध नहीं होगा ये बात मैं लिख के दे सकता हूँ क्या बात है दो बातें सामने आई जी जी बताइए खान साहब कुछ बताएंगे हाँ नहीं भाई साहब ने बहुत बढ़िया बात कही है दोनों लोगों ने जी बहुत क्वालिटी इंटरवेंशन किसान की तरफ से इतना मजबूत आता है तो एक खुशी होती खुशी है खुशी होती है ये बात सही है कि एक्सटेंशन सिस्टम अभी स्टेट्स का गियर अप नहीं हुआ है उस लेवल तक ले जाने को और तीन जो इसके मेजर कंपोनेंट्स कह सकते हैं या सेगमेंट्स इसमें एक तो फार्मर का है जिसकी बात हुई है एक कंज्यूमर का है खुशी की बात यह कि स्टार्टअप्स ने बड़े पैमाने पर पे जो इनोवेशन रिक्वायर्ड था इसकी फूड प्रोडक्ट्स में क्या हो रहा था कि हम लोग एज ए कंज्यूमर तब तक नहीं लेंगे जब तक हमको कन्वीनियंट तरीके से यू नो फूड की वैरायटी ना मिले तो आज करीब तीन से चार सौ स्टार्टअप जो हैं इतने बढ़िया बढ़िया इन्ोवेशन्स किया है इसमें और प्रोडक्ट निकाल के ला रहे हैं वाइड रेंज और तीसरी बात बड़ी जो मैं कहता हूँ इस टाइम पर थोड़ा एक मूवमेंट जब किसी की बनती है तब वो बड़ी कामयाबी देश की बनती है तो आज एक मूवमेंट ग्राउंड पर उतर रही है मैं अभी परसों रामपुर गया था तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने डीएम रामपुर ने इतना बढ़िया मॉडल हमको दिखाया उन्होंने कहा कि भाई हमने इसको किसानों के तो पोषण पोस्ट, मिशन के तहत पहुंचा दिया है एक एफ को पकड़ के उससे एक यूनिट लगा दिया है लगवा दिया है और वो यूनिट को चार करोड़ का बिजनेस कर रही पहले साल में तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने और एफ ने और पोषण मिशन का जो पा, 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 मिशन था उससे तीनों ट्राई पार्टाइड एग्रीमेंट किया है तो उसका डिस्ट्रिक्ट की सप्लाई के थ्रू और बाकी डिस्ट्रिक्ट में जाना शुरू हुआ है ऐसे अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज प्रोसेसिंग यूनिट एफ लगा लेते हैं तो किसान को उसका भी फायदा मिलेगा और ग्रो करने का भी फायदा लेकिन मिलेगा। यहाँ पर जो सवाल है ना वो दूसरा है उनका ये कहना है कि कितनी वेराइटीज़ हैं ये एक लिस्ट अगर किसानों को मिल जाए तो उस लिस्ट के अकॉर्डिंग वो कौन सी फसल जो है मोटे अनाज की वो उगानी है उस पर काम तो शुरू करें किसान देखिए कई बार क्या है कि हमारे पास जानकारी का अभाव होता है जी अभी तक जितने भी हमारी मेन जो मिलेट्स है वो दस तरह की हैं जी मुख्य उसमें तीन तो मुख्य में आ जाती है बाकी जो है गौण में आ जाती हैं तो छियानवे किस्में अलग अलग एग्रो क्लाइमेटिक जोन के लिए अभी तक इनका विकास हो चुका है और ये छियानवे किस्में बहुत सारी ऐसी किस्में कुछ तो नई भी हैं कुछ अभी तक किसानों पास पहुंचना बाकी है लेकिन कुछ जो है पहले ही किसानों तक पहुंच चुकी हैं किसान उनका उत्पादन भी कर रहा है और उससे हमारा उत्पादन बढ़ा भी है और जो इसकी उगाने की जो टेक्निक है पैकेज ऑफ प्रैक्टिस है पद्धति है वो भी सब सुनिश्चित है और वेबसाइट पर अब उपलब्ध है किसान अगर किसान ऐप भी खोल करके देखेगा तो हर एक मिलट के बारे में पूरी जानकारी दी हुई है कितना बीज उसको प्रयोग करना है किस किस्म को वो किस क्षेत्र के लिए लगा सकता है उसके लिए जो तो है भारत के से... लिए अगर बात की जाए तो भारत के क्षेत्रों की अलग अलग क्षेत्र हैं यहाँ पर अलग अलग क्षेत्र जो है बहुत उर्वरक है कहीं पर जो है मरु भूमि है तो कैसे कौन कौन से जो मोटे तौर पर आप मानते हैं वहां पर मिलेट्स उगाए जाते हैं जैसे मुख्य अगर आप मैं जैसे जानकारी देना चाहूँगा जैसे मुख्य तीन तरह के मिलट आ गए जैसे ज्वार बाजरा और रागी ये तीन मुख्य है क्योंकि इनके अंतर्गत क्षेत्र जो है काफ़ी अधिक है बाकी जो फसलें हैं जिसमें कोदो कुटकी सावा चीना ये सब चीज़ें जो फसलें आ जाती हैं इनका क्षेत्र जो है थोड़ा कम है तो जवार की बात करेंगे तो महाराष्ट्र लीडर है और भी कुछ स्टेट्स हैं जिनमें खेती होती है इसकी और इसी तरह से आप बात करेंगे रागी की तो कर्नाटका सबसे आगे आ जाता है उत्तराखंड का नाम आ जाता है आगे आता है जब भी हम बात करते हैं बाजरा की बात करेंगे तो राजस्थान और हरियाणा का नाम सामने आएगा तो बहुत सारे करीब करीब हमारे तेईस चौबीस राज्य ऐसे हैं जिनमें जो है रागी, खेती, हाँ बाकी जो फसलें हैं मतलब जितने भी मिलेट्स हैं इनकी खेती होती है यंगस्टर्स बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं उनका नंबर नहीं आया है

ये जो मिल्ट्स है वो अब क्यों लाया जा रहे हैं पहले तो हमें ये कहा जाता था कि भाई ये तो गरीबों का अनाज है हमें नहीं खाना चाहिए या हम अपने बड़े लोगों को देखें तो वो वनस्पति चावल गेहूँ वगैरह खाते हैं ये मोटे अनाज तो वो खाना पसंद नहीं करते और जब खाते भी हैं तो चलो हम तो खा ले लेकिन बच्चों को कैसे खिलाया जाए तो मेरा भी एक सवाल है इससे रिलेटेड सवाल ये है कि ये जो सोच है ना कि जो गरीबों का ना सोच कैसे बदलेगी वरना हम तो कबूतरों को ही दाना डालते रह जाएंगे कबूतरों के लिए मतलब दाना वगैरह डालते हैं ना तो सोच कैसे बदलेगी सरकार इसके लिए क्या कदम उठा सकती है कि ये जो मिलेट्स है हम बड़े पैमाने पर इसको प्रचार कर सकें इसको टी पर दिखाएं कि इसके क्या क्या फायदे हैं मुझे लगता है टी पर अगर ये चीज़ें आएंगी ना तो लोग अच्छे से इसको फॉलो कर पाएंगे मेरा एक सिंपल सा प्रश्न ये है कि बाजरे की अगर हम रोटी बनाते हैं और अनाज की रोटी हम बनाते हैं तो डिफिकल्टी ज़्यादा किस में आती है बनाने में ये तो वाला सवाल हो गया है

के प्रोडक्ट्स हैं उस टाइम पे जब क्योंकि हमारा देश आज़ाद हुआ था हमें सबका पेट भरना था तो सारी जो फोकस था कि जितने भी सीरियल्स हैं इनकी प्रोडक्शन की जाए कि सबका पेट भर जाए और कोई भूखा ना रहे लेकिन अब ये है कि वो प्रोडक्शन अच्छे से हो रही है लेकिन जब हम उसको प्रोड्यूस करने लग गए तो हम भूल गए साथ, -साथ में कि जो हमारे न्यूट्रेन डेंस क्योंकि जो मिलेट्स हैं इसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिय हैं इसके अंदर कैल्शियम है जो आप सब समझते हैं हड्डियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर मैग्नीशियम है फॉस्फोरस है पोटेशियम है और साथ में इसके आयरन है जैसे अभी हमने बात की प्रोटीन भी इसमें उससे ज्यादा है वीट और उससे राइस से तो ये सारी चीजें हम भूल गए सिर्फ हमारा फोकस चावल और गेहूं पे रहा लेकिन, लेकिन एक भ्रम एक थोड़ा सा भ्रम है इसको हा, लेकर हा, कि इसकी तासीर गर्म होती है इसलिए गर्मियों में नहीं खाना चाहिए क्या ये भ्रम है या फिर जो है इसके पीछे हकीकत कुछ और है हर एक फूड को हम देखें तो वो सीज़न के हिसाब से खाना चाहिए जैसे हम कहते हैं लौकी अगर गर्मी में गर्मी की सब्जी है और विंटर में हम मटर खाते हैं तो हर चीज़ का सीजन के हिसाब से खाना चाहिए पहले ये ज़रूरी है और जो जहाँ की प्रोड्यूस है उसको वहाँ से खाना है कि जैसे कुछ लोकल मिलेट्स कुछ हैं दो चार नाम बता सकते हैं आप जो सर्दियों में खाने चाहिए और गर्मियों में नहीं खाने चाहिए कुछ ऐसे जैसे ज्वार जो है वो ज़्यादा विंटर में खाया जाता है राजस्थान में और बाज बाजरा ज़्यादा खाया जाता है और ज्वार ठंडे में खाया जाता है तो लेकिन आजकल इसके अलावा बहुत सारे और मिलेट्स हैं छोटे मिलेट्स हैं उन पे भी ध्यान देना है जैसे अभी कोडो का सनवा का और भी बहुत सारे नाम हैं आठ नौ तरीके के ऐसे आते हैं मिलेट्स उनको भी फोकस करना है सिर्फ इसमें भी हमें ज्वार बाजरा रागी पे नहीं रह जाना है उसके अलावा जो और जो लोकली जो प्रोड्यूस होते हैं असम में भी बहुत सारे होते हैं ऐसे लोकल वाले तो उनको भी केंद्रित करना है उसके ऊपर क्योंकि उसके अंदर भी न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ज़्यादा है भरपूर है वो और उनमें जो डाइजेस्टिबिलिटी वाली बात है वो भी है और जो इम्यूनिटी बूस्ट करते हैं एंटी हैं उसमें तो वो हमारी ओवरऑल लाइफ के लिए जो हमने इन तीस चालीस में साल सालों में देखा कि हमारी सेहत में हमारी जो लाइफ स्टाइल बढ़ गई तो हो सकता है कि हम लोगों का फोकस न्यूट्रिएंट डेंस फूड की तरफ नहीं था जी। तो अब हमारी रिसर्च क्योंकि बढ़ती जा रही है तो हम रिसर्च कर रहे हैं तो हम पा रहे हैं कि जिन क्रॉप्स को हम भूल गए थे उनको वापस लेके आना है जी जी और हमारे और... साथ पल्लवी जी भी लगातार जुड़ी हुई पल्लवी जी हुँ. आपने बहुत सारे एक लंबी फेहरिस्त गिनाई अपने प्रोडक्ट्स की उसमें क्या इंस्टेंट फूड भी है रेडी टू फूड भी है अगर है तो वो कौन से हैं देखिए प्रोडक्ट्स में तो इंस्टेंट फूड है हमारे पास जैसे हमारी एक मिलेट खिचड़ी है जो कि मिक्स्ड है हमारे पास सत्तू है मिलेट का बना हुआ है चार अनाजों का जिसमें चार मिलेट्स हैं और चना है नूडल्स है पास्ता है पर मैं जैसे दो तीन सवाल आज यंगस्टर्स ने किए उनका भी मैं थोड़ा जवाब देना चाहूंगी एक तो ये कहा जा रहा है कि अभी हम क्यों बात कर रहे हैं देखिए जब जागे तब सवेरा अगर हमें अभी समझ में आया है कि ये अनाज जिनको हम भूल चुके थे ये हमारी सेहत के लिए इतने अच्छे हैं हमारे किसानों के लिए इतने अच्छे हैं पर्यावरण के लिए इतने अच्छे हैं तो क्यों ना हम इसको अपने खान पान में वापस लेके आए और मुझे तो लगता है कि ये बहुत अच्छी बात है सरकार की कि एक धीरे धीरे ये पीपल्स मूवमेंट की तरह बढ़ता जा रहा था सरकार ने भी इसको पहचाना और इसको बहुत बढ़ावा दे रही है तो ये बहुत अच्छी बात है और अब हमें इसको जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं इसको एक पीपल्स मूवमेंट बनाने की जरूरत है आपको हमको सबको मिल इसे दोबारा खाने की जरूरत है देखिए हमें बहुत जनरेशन लगी हैं इन अनाजों को भूलने में तो थोड़ी सी मेहनत लगेगी सीखने की इसको दोबारा कैसे पकाना है पर आप लोग एट अ डिसेज नहीं है जब मैंने खाना शुरू किया था तब ना जानकारी बहुत कम थी कि कैसे खाना है कैसे पकाना है पर आज मेरे जैसे बहुत लोग हैं जो आप लोग को सिखा रहे हैं हमने जब ब्रांड की शुरुआत की थी शुरुआती दौर में हमने लोगों को पका पका के अः मेलों में फार्मर्स मार्केट में खाना खिलाया है इसका तब लोगों को समझ में आता था कि अच्छा ये पैकेट कैसे पकेगा क्योंकि देखिए हम कितना भी बोलते रह जाए कि सेहत के लिए अच्छा है जब तक स्वाद नहीं आएगा तो कोई खाएगा नहीं तो आप ऑनलाइन जाइए सर्च करिए बहुत इजी रेसिपीज अवेलेबल हैं। अभी समय रहेगा तो मैं आपको रोटी भी बनाना सिखा दूंगी दो मिनट के अंदर कि आप बाजरे की अच्छी रोटी कैसे बना सकते हैं एक एक सवाल और किसी ने किया था कि बच्चों को कैसे खिलाएं आप इसको फैमिली फूड बनाइए मिलेट का डोसा बन सकता है इडली बन सकती है खीर बन सकती है खिचड़ी बन सकती है बच्चों को खाली अलग से खिलाएंगे तो बच्चे नहीं खाएंगे जी समय जी समय समाप्त हो रहा है पल्लवी और सब बहुत सारे तो बिंदु जरूर, जरूर सामने आए हैं बहुत सारे बिंदु सामने आए आपने कहा कि फैमिली फूड बनाएं और हमारे किसान भाई जो बैठे हैं उन्होंने कहा कि आपके फैमिली डॉक्टर होते हैं तो आप फैमिली किसान बनाएं और यहाँ पर ये बात चली है कि न केवल ये स्वाद से भरपूर है बल्कि जलवायु परिवर्तन की एक जो बड़ी चुनौती हमारे सामने खड़ी हो गई है अगर उससे लड़ना है तो हमें मोटे अनाज की खेती की तरफ जाना होगा समय समाप्त हो रहा है पल्लवी उपाध्याय जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मल्होत्रा आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर एमजे खान साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर परमित कौर आपका धन्यवाद और धन्यवाद जनता जनार्दन का आवाज देश की मैं आज के लिए इतना ही आवाज देश की आपसे फिर भेंट होगी एक नए विषय के साथ फिलहाल मुझे आज्ञा दीजिए लेकिन देखते रहिए सनसद टीवी नमस्कार